हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम यहाँ पर करेंगे हमारा जो लेक्चर वन है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर को, इसको देखेंगे और इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं सुईटी में, मैं उसको आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही कम कंटेंट में क्वालिटी का चीजें मिले, ताकि जो एग्जैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही दिया जाए। और ये आप कोशिश कीजिएगा, जो भी चीजें मैं नोट कराता हूँ आप उसको ध्यान से दीजिएगा। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह और हम लोग यहाँ पर क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर ये चैप्टर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने लास्ट लेक्चर जीरो में ये डिस्कशन आपसे किया था कि सिलेबस में हमारा क्या क्या आता है, और सिलेबस को देखते हुए मैंने ये बताया था कि हाँ, सबसे पहले हमारे पास जनरल टेस्ट होगा और वहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस होगा कुछ, तो मैं उसको पहले कंप्लीट कराऊंगा और फिर हम जाएंगे अपने डोमेन पर जो कि हिस्ट्री का है। तो अगर आज मैं आपसे कहता हूँ कि आज मैं आपको जनरल टेस्ट सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, उसमें जो हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि बच्चे जो भी PYQ अगर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट आते हैं और ज़्यादा सवाल आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पहला जो यूनिट आता है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर को कवर करेंगे। और इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये PPT अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अगर कोई और डाउट है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगा उसको आप लिखते जाइएगा साथ साथ। कई बार ऐसा हुआ कि ये शायद से जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको इस PPT में ना मिल पाए, और दूसरा अगर कोई MCQ वगैरह मैं करा रहा हूँ अलग से तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा हाँ कि सर क्या करवा रहे हैं, प्लस जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको हाईलाइट करवाऊंगा कि हाँ बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कंटेंट हमेशा ज़्यादा रहता है बच्चों, अगर आप PPT का भी कंटेंट देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे जो मैं कहूँगा कि हाँ ये बेटा इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर आप जनरल टेस्ट का हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, बस आप इसके साथ कीजिए और चीज़ों को सीखते जाइए, क्योंकि यहीं से आपका ये बेस है और यहीं से आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बंगाल एज अ पावर से। तो देखिए बंगाल का राइज कैसे हुआ एज अ पावर, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो उनके इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं उनको कुछ नाम देखेंगे, और उसमें से कुछ जैसे कि सिराजुद्दौला हो गया, ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हाँ कि इनका एग्जाम में आ जाता है थोड़ा बहुत कि ये कौन से किंगडम से रिलेटेड हैं, बाकी आपको इसमें से ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। और आज का अगर मैं आपको स्टार्ट करते हैं, चलिए सबसे पहला आता है बंगाल। बंगाल की जो रियासत थी बेटा सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोवेंसेस था, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1717 से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बंगाल में, तो बंगाल वॉज अ प्रोविंस, किसका प्रोविंस था बेटा वो तो वो था मुगल एम्पायर का, और वो उस मुगल एम्पायर का, और उस समय जो रूलर था बेटा उसका नाम था फरुख शियार। क्या नाम था? फरुख शियार। तो अब देखिए मुर्शीद कुली खान कैसे यहाँ पर बंगाल का सूबेदार, सूबेदार क्या होता है भाई, जो होता है गवर्नर, ये एक टर्म दिया था स्पेशल, ये सूबेदार उसको कहते थे, और ये प्रोविंस था एक बंगाल वहाँ का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फरुखशियार ने क्या किया, फरुखशियार ने किसको सूबेदार बनाया वहाँ पर, सूबेदार बनाया वहाँ पर मुर्शीद कुली खान को। अब मुर्शीद कुली खान बनता है 1717 में और वो 10 साल रहता है, और यहाँ से ज़्यादा सवाल आपका नहीं आने वाला जनरल टेस्ट में खास करके, और इसमें बस यही है कि हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि मुर्शीद कुली खान बंगाल रियासत से है, ठीक है। और इस समय फरुखशियार जो था वो मुगल एम्परर था, बाकी धीरे धीरे इसको ग्रांट की गई उड़ीसा की गवर्नरशिप, और ट्रांस ही किसने क्या करा कि बंगाल की जो कैपिटल थी पहले क्या थी, ढाका, ढाका से किसने क्या करा, मुर्शिदाबाद को अपनी कैपिटल बना लिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पर किस पे, मुर्शीद कुली खान पर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि जो बंगाल प्रोविंस है बेटा वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर हमारे पास कौन आता है, शुजाउद्दीन कौन था, सन इन लॉ था मुर्शीद कुली खान का, और यहां पर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको क्या बनाया था, गवर्नरशिप दिया था बिहार का। तो बस ये आपको याद रखना है कि शुजाउद्दीन भी बंगाल का रूलर है, और ज्यादा यहां से सवाल आते नहीं है।
सरफराज खान, सरफराज खान कौन था? तो ये था शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन का सन था सरफराज खान, ठीक है। और सरफराज खान ये डिप्टी गवर्नर नहीं, ये थे डिप्टी गवर्नर नहीं था। यहाँ पर क्या हुआ देखो, सरफराज खान जब रूलर था बच्चों, ये है सरफराज खान, तो इसको क्या करा गया कि अलीवर्दी खान ने, जो कि वहां पर बिहार का कौन था वो डिप्टी गवर्नर था अलीवर्दी खान, ये इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि अलीवर्दी खान का ही आगे देखेंगे कैसे सिराजुद्दौला कैसे रिलेटेड रहा। और उसने अलीवर्दी खान ने कहा था कि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है बेटा, जो अलीवर्दी खान ने खुद कहा था कि सबसे बड़ा अगर कोई एनिमी है तो कौन है बेटा, वो ब्रिटिश एम्पायर है, जिसको सिराजुद्दौला ने कहीं ना कहीं सीरियसली भी लिया था। तो दे वर द वन ऑफ द वर्दी रूलर्स ऑफ बंगाल रियासत। तो यहां तक आपने देखा कि हाँ अलीवर्दी खान, अब देखिए अलीवर्दी खान ने क्या किया कि शुजाउद्दीन को, यहाँ पर सरफराज खान को, सरफराज खान को मार करके वो एम्पायर अपने अंडर ले लिया। प्लस इसने कब से कब तक रूल करा, 1740 से 1756 तक। इस बीच क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो अलीवर्दी खान ने अपने आप को अगर रूलर बनाना है तो उसने क्या करा, 2 करोड़ की एक अमाउंट दिया। किसको दिया बेटा, मोहम्मद शाह रंगीला को। किसको दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। ये कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ये था मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल एम्पायर। इसने अपने आप को, अपने एम्पायर को किसने, यहाँ पर हमारे पास अलीवर्दी खान ने क्या करा कि हमारे अपने एम्पायर को इसने लीगलाइज करने के लिए, अपने एम्पायर को लीगलाइज करने के लिए 2 करोड़ का अमाउंट दिया मोहम्मद शाह रंगीला को। उसके बाद जाके ये कहीं ना कहीं वहाँ का रूलर बन पाया, ठीक है। और अगर इसमें से और इम्पोर्टेंट तो कुछ आता नहीं है, बाकी ये पढ़ सकते हैं कि इंग्लिश और फ्रेंच को इसने रोका फोर्टिफाई करने से अपने फैक्ट्रीज को, ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ नहीं है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या करा कि देखिए, अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ सकता है सिराजुद्दौला के बारे में, तो सिराजुद्दौला ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, सिराजुद्दौला। तो इसके बारे में ये आ सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला और दूसरी साइड था यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश का नेतृत्व कर रहा था और सिराजुद्दौला यहाँ पर बंगाल रियासत का गवर्नर था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी होता है 1857 में। ये सवाल आपसे पूछ सकता है, दो सवाल आपसे पूछेगा बैटल से, अगर यहाँ से पूछेगा भी तो, पहला हो गया बैटल ऑफ प्लासी 1857, दूसरा हो गया यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर 1864। और आपसे यहाँ से कोई सवाल नहीं पूछने वाला है कि हाँ क्या कैसे रहा, बस आपको ये याद रखना है कि सिराजुद्दौला था बंगाल की रियासत में, जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को रोका कि हाँ वो क्या कि अपने एक्सपेंशन को उसको रोकने की कोशिश करा। और फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम को भी इसने कैप्चर कर लिया था, किसने कर लिया था, यहाँ पर सिराजुद्दौला ने। बाद में फिर उसको रिकवर किया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये किस ट्रीटी से किया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ज़्यादा सवाल में आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो आप लोग ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ अलीनगर यहाँ पर कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुई थी, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ 1757 मैंने, सॉरी 1857 लिख दिया है शायद से, यस 1857 नहीं, यहाँ पर 1757 है, ये मैंने एक बढ़ा दिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं। 1764 और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1757 में हमारे पास यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। चलिए अब देखिए बिट्रायल कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, कौन कौन थे, जैसे मीर जाफर हो गया, ठीक है, मीर कासिम हो गया, मीर कासिम तो बहुत लेटर होना था, मीर जाफर हो गया, मीर बख्शी हो गया और मानिक चंद हो गया। ये तीन नेम है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखते हैं, याद भी क्या, अगर आता भी है तो एक साथ ही आएंगे, वैसे ज्यादा आने के चांसेस कम है। इन्होंने क्या करा, सिराजुद्दौला की जो फोर्सेस थी उनको धोखा दे दिया। धोखा कैसे दिया कि बैटल फील्ड पे है, और फिर क्या होता है कि वहां पर सिराजुद्दौला चला जाता है, सोचता कि यार ये तो बहुत कम फोर्सेस है किसकी, ब्रिटिशर्स की, तो अब मेरी जरूरत यहाँ नहीं है, तो वो ऐसा सोचता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं ये पलट जाते हैं और साथ दे देते हैं किसका, रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव इस अगर बैटल को जीता बहुत कम फोर्सेज होने के बाद भी, तो उसका रीजन यही है कि उसने डिप्लोमेसी को अपनाया था, डिप्लोमेसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। रॉबर्ट क्लाइव हो गए या ब्रिटिशर्स के जितने भी रहे इंपॉर्टेंट जनरल्स वगैरह, उन्होंने डिप्लोमेसी को ज़्यादा अहमियत दिया है, और प्लस उनकी जो टेक्नोलॉजी रही है वो बहुत बिगनिंग से बहुत शार्प रही है।
इसी कारण कहीं ना कहीं बैटर ऑफ प्लासी में हमारे जो सिराजुद्दौला था खास करके, अगर इतने सारे उसके पास फोर्सेस होने के बाद भी वो हारा, क्यों हारा, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमेसी थी, उसने अपने ही मेंबर्स को संभाल नहीं पाया। तो ये एक चीज थी। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है, ब्रिटिश क्या करती है, चंद्र नागौर को कैप्चर कर देती है, चंद्र नागौर को कैप्चर कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी होती है, ठीक है, और ये चीजें आपने पढ़ लिया। अब देखिए आमीचंद कौन था, जगत सेठ कौन था और खादिम खान कौन था, ये था मर्चेंट था, ठीक है, ये आमीचंद जो था बहुत बड़ा मर्चेंट था, ये बैंकर था जगत सेठ, और कमांडेड अ लार्ज नंबर ऑफ नवाब सूद खादिम खान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हो जाते हैं। तो देखिए कंपनी के ट्रेड राइट्स क्या क्या रहे। अब कंपनी जब भाई बैटल ऑफ प्लासी को जीत जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट बैटल था, इससे ये पता लगता है हाँ ब्रिटिश वॉज ट्राइंग टू इस्टेब्लिश इट सेल्फ कहाँ पे, बंगाल की रियासत में, ठीक है। इसको क्या क्या मिलता है, सबसे पहला उसको मिल जाता है फ्री ट्रेड राइट्स, कहाँ के, बंगाल बिहार और उड़ीसा के, ये आपको याद रखना है, बंगाल बिहार और उड़ीसा के उसको फ्री ट्रेड राइट्स मिलते हैं, कैसे, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और जमींदारी मिलती है 24 परगनास की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आता है 1764 में क्या होता है, एक साइड होता है मीर कासिम प्लस एक साइड होता है शुजाउद्दौला और एक होता है शाह आलम। अब यहाँ बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, ये सिराजुद्दौला से करते हैं कि ये सिराजुद्दौला नहीं, ये सिराजुद्दौला नहीं है, शुजाउद्दौला है जो कि अवध का रूलर था। कहाँ का रूलर था, अवध का रूलर था, ये है बंगाल का रूलर, ठीक है, और ये हमारे जो शाह आलम जी हैं, ये शाह आलम सेकंड है, और कहाँ का, ये मुगल एम्पायर है इस समय। तो ये सारे लड़ते हैं किसकी फोर्सेस के खिलाफ, ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय मुनरो, ठीक है, लॉर्ड मुनरो। और फिर इसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर भी ये हार जाते हैं, और फिर यहाँ पर मीर जाफर को वो लोग दोबारा क्या बना देते हैं, बंगाल का गवर्नर, और इनके साथ फिर अलग अलग ट्रीटीज करी जाती हैं, ठीक है, सभी रूलर्स के साथ। और यहाँ पर ये मेंशन नहीं हुआ है कि कौन सी ट्रीटीज, तो ये आपको रखना है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद करी जाती है, सेपरेट ट्रीटीज करी जाती हैं इनके साथ, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी आती है ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ अली नगर आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में। चलिए अब मीर जाफर, अब आपको याद करना है कैसे मीर जाफर पहले आया, मीर कासिम पहले बाद में आया, ये कॉम्पिटिशन में कई बार आपको ये प्रॉब्लम देता है कि यार पहले कौन आया था। देखिए मीर जाफर, अगर आप मीर जाफर को देखेंगे तो ये जे से स्टार्ट होता है, जे पहले आता है, तो आप ऐसा ट्रिक इसको याद कर सकते हैं कि मीर जाफर देन मीर कासिम, तो ये आपको याद हो जाएगा, हाँ ठीक है, मीर जाफर और फिर मीर कासिम। और ये चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बस ये है कि हाँ क्यों क्या करता है मीर कासिम, क्या करता है, ये इसने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था कि सबसे पहले क्या करा उसने, मुर्शिदाबाद वहाँ पर इस समय बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी, तो उसने उसको कैपिटल बदल कर थोड़ा सा जो ब्रिटिश यहाँ पर जो था, ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, यहाँ से बदल के उसने मुंगेर कर दिया था। लेकिन इसका एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं होता है, जब बैटल ऑफ बक्सर होता है फिर उसमें यहाँ पर इन फोर्सेस की, ये जो कंबाइंड फोर्सेस थे कहीं ना कहीं शुजाउद्दीन, शाह आलम टू और यहाँ पर मीर कासिम का, तो तीनों का जो फोर्सेस था ये हारता है और ब्रिटिश पावर बनी रहती है। और इसके बाद ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ यहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस ने अपना आपको बंगाल प्रोविंस में इस्टेब्लिश कर लिया है। उसके बाद फिर जो सक्सेसर्स होते हैं मीर कासिम के, काफ़ी वीक सक्सेसर्स होते हैं, तो ऐसा पेपर में आएगा नहीं, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल जो आता है, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ये रहता है 1765 से 1772 तक, ठीक है, इसको रॉबर्ट क्लाइव लाता है, ठीक है, और इसको अगर एबॉलिश कौन कराता है, ये भी आपको याद रखना है, वॉरेन हास्टिंग्स इसको एबॉलिश करा देता है, ये आपको याद रखना है चीज़ें। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया डुअल गवर्नमेंट में क्या था। अच्छा इसमें था क्या, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीज़ें, एक तो क्या मिलिट्री पावर हो गया, और फिर आपके पास यहाँ पर आ गया कि हाँ ट्रेड राइट्स आपके पास आ गए, प्लस आपके पास यहाँ रेवेन्यू का आ गया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे रेवेन्यू हो गया, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करने लगा, ये सारी चीज़ें हैंडल करने लगा ब्रिटिश, ठीक है, और उसने बोला बाकी चीज़ें आप देखिए इंटरनल। तो द कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी एंड द निज़ामी राइट्स, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं लिया, उसके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कौन था, तो उसके बाद जो मीर कासिम के, जो भी मीर जाफर के जो बाद आए उनके फैम जो रूलर बनाए गए, वो काफ़ी वीक रूलर्स थे और ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके CUT एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
बाकी आपको मैंने बता दिया ये कि अबॉलिश किसने कराया था, ये आपको याद रखना कि डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश यहाँ पर वॉरेन हास्टिंग ने कराया था। ये एक सवाल आपसे पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आ जाता है मैसूर के बारे में, हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि मैसूर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट देखेंगे तो आपको दो रूलर का नाम याद रखना है, हैदर अली प्लस एक आपको याद रखना है यहाँ पर टीपू सुल्तान। ठीक है, हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान। पहले दो वॉर्स में कहीं ना कहीं ब्रिटिश के साथ चार वॉर्स लड़ी मैसूर ने। ठीक है, चार वॉर किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, दो में हैदर अली था, उसके बाद कंटिन्यू करता है फिर टीपू सुल्तान। और देखिए टीपू हैदर अली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 1761 से 82 ये रूलर रहा। तो इस बीच क्या होता है कि जो ब्रिटिश होती है कहीं ना कहीं इन्होंने बंगाल रियासत पे अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था, और जो इनका मेन अब फोकस हो गया था यहाँ पर कहीं ना कहीं मराठास के साइड प्लस मैसूर के लिए। तो मैसूर से इनका रिवॉल्ट होता है, सबसे पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1766 से 69। ठीक है, इसमें हैदर अली क्या करता है, उनको डिफीट कर देता है, किसको, ब्रिटिशर्स को डिफीट कर देता है। फिर यहां पर क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84। तो अगर देखो बच्चों, अगर आप सीयूटी के जैसे जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आप ये सारी चीजें भी याद कर सकें, बस अगर आपके माइंड में ही रहता है कि हाँ 66 से 69 हुआ था, 80 से 84 हुआ था, तो ये बेटर रहेगा। बाकी ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि हाँ हैदर अली, टीपू सुल्तान ये कहाँ के रूलर थे, ये फ्रेंच इसके यहाँ पर रूलर थे, मैसूर के रूलर थे, और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने लिया। और कुछ ट्रीटीज थी, जैसे अभी आप आएंगी थर्ड बैटल की जो ट्रीटी रही और फोर्थ बैटल की जो ट्रीटी रही वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए जॉइंट फोर्सेज जो बनी थी, देखिए हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने जॉइंट फोर्स बनाए किसके साथ, निजाम के साथ और मराठास के साथ। ठीक है, और उन्होंने कैप्चर किया इसको आरकोट को। ठीक है, और फिर यहाँ पर देवर डिफिटेड एट पोर्टो नोवो बाय आयरकूट। आयरकूट का नाम जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा आप लोग कि सेकंड मैसूर वॉर में, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, तो यहाँ पर आयरकूट ने उनको हरा दिया। उसके बाद क्या होता है, जब ये हार गए तो हैदर अली के बाद यहाँ पर आता है उनका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान क्या करता है, ये एक इंपॉर्टेंट नेम है 1782 से 99। अब यहाँ पर अगर एक सवाल जो आपसे पूछ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ क्या सवाल आ सकता है। देखिए कि टीपू सुल्तान ने कौन सी फॉरेन जो फोर्सेस थी उनकी हेल्प ली, तो इन्होंने फ्रेंच की हेल्प लिया था। किसकी हेल्प लिया था बच्चों, फ्रेंच की हेल्प लिया था, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और दूसरा, फिर अगर सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसके बाद जो ट्रीटी हुई वो कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। कब हुई थी, 1784 में, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में। फिर यहाँ पर होता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, थर्ड बैटल, थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल में। ठीक है, यहाँ पर सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी, और इसके बाद क्या हुआ कि टीपू को कई अपने टेरिटरी का हिस्सा देना पड़ गया था। किसको देना पड़ा था, ब्रिटिशर्स को। ये आपको याद रखना है कि मैंगलोर की ट्रीटी 1784 में, उसके बाद 92 में यहाँ पर हुआ था सेरिंगपट्टनम। बाकी अब देखिए टीपू सुल्तान चल रहा है आगे, यहाँ पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड में हुआ था सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी, मैसूर वॉर। यहाँ पे क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली अटैक करता है और टीपू सुल्तान डेड, मतलब यहाँ पर टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है। और इसके बाद यहाँ से ये हो गया कि हाँ मिलिट्री पावर जो है ब्रिटिशर्स की वो एस्टेब्लिश कर गई। ठीक है, और दे एस्टेब्लिश देयर एम्बेसीज इन डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके आ सकता है पेपर में कि ट्रीटी ऑफ लिबर्टी सेरिंगपट्टनम में। और ये भी आप सवाल याद रखिएगा, सेरिंगपट्टनम वॉज द कैपिटल ऑफ, कैपिटल थी किसकी, कैपिटल थी मैसूर की। ठीक है, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लिबर्टी, ट्रीटी ऑफ लिबर्टी किसने बनाया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने, ये चीज आपको याद रखना है। प्लस इन्होंने जैकोबिन, जैकोबिन क्लब को भी ज्वाइन करा था। किसने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया था, टीपू सुल्तान ने। और जो भी इनका जो फोर्सेस थी उसको मॉडर्नाइज करने का काम भी टीपू सुल्तान ने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हमारे पास आता है सिख किंगडम। सिख किंगडम में आपको याद रखना है कि हाँ रणजीत सिंह थे रूलर, रणजीत सिंह का नाम आता है तो सिख किंगडम। कब से कब तक, 1792 से 1839 तक। और ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रूल। ठीक है, बाकी इन्होंने 1799 में लाहौर को कैप्चर किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आपको इतना डीपली पूछेगा, बस ये है कि हाँ इंफॉर्मेशन आपके पास, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको रीड कर सकते,
और ज़्यादा यहाँ से आने के चांसेस बहुत कम है। बाकी इनके जो सक्सेसर्स रहे बहुत वीक रूलर रहे, देखेंगे तो आप 1792 से 1839 में ये है कि हाँ रणजीत सिंह ने अगर सिख रूल को फाउंड किया और विद इन जस्ट फ्यू ईयर्स, अगर 1839 तक हो रहे हैं तो 1839 के बाद से अगर लिया जाए तो 1849 तक पूरा सिख एम्पायर गिर जाता है, पूरा सिख एम्पायर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि उसके भी बाद जो भी रणजीत सिंह के बाद जो भी उनके रूलर्स आए सिख किंगडम के, वो काफ़ी वीक रूलर थे और ज़्यादा समय तक किसी ने भी रूल नहीं किया। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो खड़क सिंह आए, नौनिहाल सिंह आए, शेर सिंह आए, दलीप सिंह आए, तो ये कभी काफ़ी वीक रूलर माने जाते हैं और काफ़ी अर्ली स्टेज में उन्होंने अपने किंगडम को संभाला, लेकिन उस तरह से नहीं संभाल पाए जिस हिसाब से रंजीत सिंह ने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ से आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, दैट्स इट, और आपसे यहाँ से कोई अलग से स्पेशलाइज नहीं पूछेगा। बाकी अगर आप देखना चाहें तो देखो गुरु गोविंद सिंह ने, यस ये आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह ने ट्रांसफॉर्म किया था सिक्स को किसमें, मिलिट्री ब्रदरहुड में, ठीक है। एज अ मिलिट्री अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो किसने किया था वो चीज़ किया था गुरु गोविंद सिंह ने। और देखो सिख पावर ब्रोकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द डेथ ऑफ, या मैंने आपको बता दिया कि हाँ रंजीत सिंह के बाद वो चीज़ें उस तरह नहीं चल पाई, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से 46 तक, सिख ने डिफीट कर दिया, और फिर यहाँ ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, किसके बीच हुई थी, सिख्स के बीच और ब्रिटिश एम्पायर के बीच ये चीज़ें हुई थी। एक सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि जैसे गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है तो खालसा पंथ किसने इस्टेब्लिश किया था, ये इस्टेब्लिश किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी अगर और चीज़ें अगर को बताना हो तो देखिए गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक इनके फर्स्ट सिख गुरु थे, और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, वो तालवांडी में हुआ था, कहाँ हुआ था, तालवांडी में। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पूछते लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये हैं ये चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस और आपको अगर कुछ बताना हो तो ऐसा है नहीं इसमें, तो ठीक है ये चीज़ें हो गई। और आगे अब हमारा यहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है, सेकंड ट्रीटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश का जो कब्जा था अमृतसर वाले रीजन में या फिर सिख रूल पर पूरा जितना भी रहा है लाहौर से लेके अमृतसर पूरा, तो यहाँ पर ब्रिटिश ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था और किंगडम को एनेक्स कर लिया 1849 में, ठीक है। तो और पहले चीफ कमिश्नर किसको बनाया गया था, सर जॉन लॉरेंस को। द डेमिस ऑफ सिख रूल मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ ब्रिटिश ने अपने रूल्स को कर लिया। तो ये कंप्लीट हमारा करता है टॉपिक एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर को। काफ़ी मैंने आपको डिटेल चीज़ें भी दी है और शॉर्ट में भी समझाया कि हाँ कैसे क्या आ सकता है, कोशिश मैं करूँगा कि हाँ प्लस आपके लिए एमसीक्यूज और ऐड किए जाएं, इससे क्या होगा कि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। मैं आपको एक एमसीक्यू जरूर करा देता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेज अंडर, तो कौन सा उस समय गवर्नर जनरल था जिसके अंडर वो डेथ कर जाता है, ठीक है, मतलब हार जाता है। तो ये बहुत आसान सवाल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर पता लग गया होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। एक प्रीवियस सवाल ये भी आया था कि बैटल ऑफ बक्सर कौन से साल में हुआ था, तो ये आप बहुत इजीली बता देंगे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ठीक है। और तो ऐसा सच अलग से ये करा जा सकता है, हाँ कि और एमसीक्यूज आपको कराया जाए, लेकिन आज के लिए इतना टॉपिक हमारा काफ़ी है और इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, पूरा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर को एक बार आप जरूर इसको रीड कीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें हैं कि हाँ दिमाग में ग्रैप हो जाए कि हाँ ये चीज़ें आती हैं और ऐसे आती हैं। और जो भी मैंने आपको बताया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हो गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने आपको मेंशन किया, ट्रीटी ऑफ अलीनगर मैंने मेंशन किया, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कैसे क्या होता है और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है कोई सी बैच को लेके कुछ भी लेके तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको हमारा जो इस समय स्वीटी का फ्री बैच चल रहा है वहाँ पर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट टाइम आपको अगर प्रिपेयर करा रहे हैं स्वीटी का तो ये फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है और इसके बाद फिर हम 2024 में दोबारा जब कराएंगे तो वो चीज़ें अलग जाएंगी, लेकिन अभी के लिए क्या है कि हाँ फ्री बच्चों के लिए है तो आप लोग ज्वाइन कीजिए इसको, और एक स्कॉलरशिप वगैरह टेस्ट होगा जो भी होगा आप वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो अच्छा रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप को अगर क्विजेज वगैरह यहाँ होता हमारी टीम कंडक्ट करती है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैं एमसीक्यूज वगैरह और इसमें ऐड कराता हूँ कि हाँ
यहाँ पर अगर एमसीक्यूज रहेंगे तो बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। और बच्चों ये जो कंटेंट है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आप जो जैसे मैं बताता हूँ आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, चाहे 10-20 चीज़ें इसमें से निकलेंगी जो पेपर में आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपको ये है कि हाँ पीपीटीज में अगर कंटेंट रहता है तो वो रहता है कि आपके पास इंश्योर रखता है कि अगर आप और इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया तो अगर उसको सॉल्व करना है तो ये पीपीटी हेल्प जरूर आपको करेगी। और जो रिलेवेंट पॉइंट्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये आ सकता है। बाकी और कोई चेंजेस हो, आपको कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा। बाकी हमारी टीम जैसे कि ये पीपीटी वगैरह बनाते हैं, हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल है तो ये चीज़ें चलती हैं इस तरीके से। और थैंक यू बच्चों, प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स भी ओपन रहता है, आप वहाँ पर भी हमें बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ दिस साइड, योर टीचर, योर मेंटर, योर फ्रेंड पुष्पेंद्र सिंह। थैंक यू।